हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अक्सर आपने सुना होगा कि सांप के काटने के कारण कई लोगों की जान गई है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सांपों से अनोखा प्रेम है और उन लोगों ने अपना पूरा जीवन इन सांपों के बीच में ही निकाल दिया है। ये लोग लगातार सांपों को रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में सकुशल छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में कृपाल सिंह ने अपने जीवन के 45 साल इन सांपों के बीच में ही गुजार दिए हैं और क्षेत्र में किसी के घर में या कहीं भी कोई सांप होने की सूचना मिलती है तो कृपाल सिंह उसको रेस्क्यू कर उसे सकुशल जंगल में छोड़ देते हैं। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ बताया कृपाल सिंह ने, आप खुद ही सुन लीजिए। जसपुर से हमारे संवाददाता स्पर्श अग्रवाल की रिपोर्ट। सर जी, रहने वाला तो मैं भोगपुर डाम तीरथ नगर का हूँ और एक पहले तो मैं निजामगढ़ का रहने वाला था और अब भोगपुर डाम तीरथ नगर में रहता हूँ। अब सांप पकड़ते पकड़ते तो मेरा जो कम से कम 45 साल का तजुर्बा है और जो ये सांप पकड़ने में हालांकि कुछ मिलता मिलाता भी नहीं है, ना ही तो वन विभाग की तरफ से मिलता, और चाहे किसी को काट ले किसी घर में सांप घुस जाए वो ज़्यादा कोशिश करता है कि हम तो मार देंगे, तुम पकड़ना आते हो तो आओ यानी हम मार देंगे। वो हमारी चोट हमारे दिल पर लगती है, हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हमें कुछ दे या ना दे हम नहीं स्वार्थ भाग जाते हैं और सांप पकड़ कर लाते हैं। तो सांप की तो बहुत प्रजातियाँ हैं मगर इस समय हमारे यहाँ जो ये तीन प्रजातियाँ बहुत खतरनाक हैं जिनका मारा हुआ बड़े नसीब वाला बड़ी किस्मत वाला बचता है, नहीं तो मर ही जाते हैं। जैसे रसन बाइपर हुआ, ये कॉमन क्रैश सैलेंट हुआ और एक कोबरा हुआ। कोबरे कोबरे की जो हैं लगभग जो हैं 70 प्रजातियाँ कोबरे कोबरे की हैं, फन फन वाले की। बाकी और जो क्वालिटियाँ हैं जैसे रेड स्नेक हुआ, बाटर स्नेक हुआ, ये बाटर स्नेक की भी बहुत कुली हैं, कई तरह के हैं। इनके अंदर पॉइजन, किसी सांप के अंदर पॉइजन नहीं होता। पॉइजन ना होने के बावजूद भी फिर भी ये सांप मारे जाते हैं, लोग इनको धोखे से मार देते हैं। और ये जो है ये रेड स्नेक जो होता है तो ये किसान के लिए बहुत वफादार है और किसान का बहुत साथी है, क्यों किसान के खेत की खेती को नियोजन देता, किसान का कोई नुकसान ऐसा नहीं होने देता। ये एक तो पहली बात तो कोई रात बिरात में किसान के खेत में जाएगा तो अगर देख लगा डर के मारो नहीं जाएगा, और दो चूहों को सबको खा जाता है। लोगों को लिए संदेश है, मैं तो यही कहता हूँ चलो ठीक है, जो हमारी किस्मत पर है वो हो रहा हमारे साथ। बाकी मेरा कहना ये है, जहाँ तक लोग मुझे जानते हैं मुझे पहचानते हैं, मेरा मोबाइल नंबर भी है और मुझे कॉल करें, वहाँ से जितना भी हो सका आप सांपों की जान बचाओ। और सांपों की क्या, कोई सा भी जीव हो सबकी जान बचाओ जित हो सके, किसी को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करो, ना किसी इंसान को ना किसी जानवर को, ये भी जानवर है। अगर ये चीज़ें अगर हमारे इसमें से हिंदुस्तान में से अगर ये लुप्त हो गई तो फिर मुझे लगता है इंसान भी लुप्त हो जाएंगे, इंसान भी नहीं बचेंगे। हो सकता है इन चीज़ों से इंसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा है, हालांकि मर भी रहे जी भी रहे, मरना तो किसी के देखो बस की बात है नहीं, ये तो सब कुदरत की बात है, जिस तरह से जिसको मरना है वैसे ही मरना। बाकी तुम किसी को मत मारो, किसी जानवर को मत मारो और किसी को भी नुकसान अपनी जानकारी में मत पहुँचाओ। एक सौ वो रिलीज करना आया था ये सब मैंने यहाँ रिलीज करे और मेरे तो आए दिन यही काम है, मैं तो इसी काम को करता रहता हूँ, इस तरह से भी दे रहा मेरा पेट भरता है और बेफिक्री से सोता हूँ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।